यूपी के जिला बरेली में पुराना शहर के इलाके में अभी अभी भारी फोर्स पहुंचा है। बारादरी के साथ कोतवाली, प्रेमनगर, कैंट और इज्जतनगर के इंस्पेक्टर मौजूद हैं। भीड़ को सड़क से हटाकर घरों में भेजा जा रहा है। जगतपुर चौराहे के पास दुकानें तय वक्त से पहले बंद हो गई हैं, वहां पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं। ये वही इलाका है जहां से थोड़ा आगे जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने जा रही अंजुमनों को एक दिन पहले निकलने नहीं दिया गया था। उसे लेकर दोनों संप्रदायों में तनातनी का माहौल बन गया था। इससे घुली कड़वाहट अभी दूर नहीं हो सकी है। वैसे इस टसल की शुरुआत कांवड़ यात्रा के विरोध से शुरू हुई थी। खैर, पुलिस मुस्तैद है, जगतपुर से लेकर पनवड़िया और एजाज नगर गोटिया तक पैदल घूम रही है। अभी थोड़ी देर पहले तनातनी की वजह चाउमीन के ठेले को जबरन हटाने, एक गोलगप्पे वाले को और उस दाढ़ी वाले शख्स को पीटा जाना बताई जा रही है। दोनों ही तरफ की भीड़ को पुलिस ने हटा दिया है। चेतावनी दी है कि किसी ने भी गड़बड़ी का प्रयास किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगतपुर एजाज नगर में दुकानें भी बंद है। पुलिस का कहना है कि भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर सतर्कता बरती गई है। इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है। रात में सीओ थर्ड देवेंद्र कुमार ने भी जगतपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। द लीडर हिंदी ने उनसे बात की तो उनका कहना है कि आपसी कहासुनी में मारपीट हुई है, सांप्रदायिक मामला नहीं है। जिससे मारपीट हुई है उससे तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है। बढ़िया, Thank you.